बहुत बड़ी दिक्कत है इस मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर में, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। और दो बूंद पानी के पड़े लाले मेडिकल कॉलेज में बाखूबी आप देख रहे हैं। बंदर बेचारा प्यासा और उसके बाद इंसानों का हाल देखिए। ये मेडिकल कॉलेज का नजारा हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं बीते दिन का नजारा। हालांकि शिवसेना ने आज बिगुल बजाया, जिला अधिकारी के समक्ष विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें पहला मुद्दा था कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं और उसके बाद पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। मेडिकल कॉलेज में इधर उधर लोग घूमते हैं, बाखूबी आप देखिए पानी बिल्कुल नहीं और आ भी रहा है तो एक नल बंद और दूसरे नल में एक एक बूंद करके ऐसे प्यास बुझेगी। मेडिकल कॉलेज में पानी के पड़े लाले, दो घूट पानी के पड़े लाले लोगों ने बताया। लोगों का कहना है कि प्यासे इधर उधर तड़प रहे हैं और जो उपकरण है वो खराब पड़े, कोई सुनने वाला नहीं। हालांकि शिवसेना महिलाओं ने भी बजाया बिगुल और आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद विस्तार से बताया कि विभिन्न समस्याओं के विरोध में है ज्ञापन। कुत्ता कटा इंजेक्शन नहीं है, काफी समय हो गया और उसके बाद आम जनता को इस वक्त जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, दो बूंद जिंदगी के जो जरूरी है, पानी के दो बूंद के लिए कितना तरस रही है जनता, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। बहुत बड़ी दिक्कत है इस मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर में, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी है ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं, पानी है ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं, पानी है ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं। बताइए भाई, आप पानी के लिए इनके लिए तो आप आ गए, पानी के बारे में क्या कहेंगे? पानी है, दवा है, सब मरीजों को बाहर से ही लाना पड़ता है। नहीं, अभी जो आप बात उठाएंगे तो उसमें पानी का क्या? पानी का हम कल डीएम से मिलेंगे और डीएम को पूरी बात बताएंगे कि इस तरीका से जनता के साथ छलावा हो रहा है और आप कोरोना में ढुके छुपे बैठे हुए हैं। ये कोरोना नहीं, ये दलाली है, ये दलाली है, ये दलाली है, ये जनता की लूट है। एक तरफ बंगाल में इतनी इतनी भारी भीड़ और दूसरी तरफ कोरोना का भय। टीवी देखना लोग बंद कर दें, हम वादा करते हैं रोग दूर हो जाएगा। और बीते दिन आश्वासन दिया था जिलाधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन आज शिवसेना जिला प्रमुख, शिवसेना महिलाओं के साथ शासन और प्रशासन को दोनों को अवगत कराया, मुख्यमंत्री को भी भेजा ज्ञापन और राष्ट्रपति को भी भेजा और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। नगर मजिस्ट्रेट ने दिया आश्वासन, मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दवाइयां भी बाहर से लिखी जा रही हैं, कुत्ते काटे का इंजेक्शन नहीं। दूसरी बात यह है कि जिला जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं इसमें पुलिस बहुत बड़ी पक्षपात कर रही है, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अपने दलालों से दारू बिकवा रही है और उनके दलालों के इशारे पर गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के थाने ले जाकर उनकी अर्थव्यवस्था ली जा रही है। इनकी जांच होना चाहिए और जांच के साथ में ठीक ठीक करवाते हैं। जिन विभागों से मामला संबंधित है जी करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए।